तो अभी हम पढ़ेंगे लीवर के रिलेशंस, जिसमें पेरिटोनियल रिलेशन और रिसर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पेरिटोनियल रिलेशन को याद रखने की ट्रिक है गोभी। सो पेरिटोनियल रिलेशन में हम पेरिटोनियम के बारे में बात करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, मेजोरिटी ऑफ द लीवर जो है वो पेरिटोनियम से कवर है। जहाँ पे लीवर पेरिटोनियम से कवर नहीं है वो है बेयर एरियाज, सो जिसमें पेरिटोनियल रिलेशन कवर अप होते हैं। सो ऐसे चार एरियाज है जहाँ पेरिटोनियम कवर नहीं करता है, वही इसका पेरिटोनियल रिलेशन है। तो वो है बेयर एरिया, ग्रूफ फॉर आईवीसी, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर और लेसर ओमेंटम। सो यहाँ से हमने बी को सर्कल किया, यहाँ से आए, यहाँ से जी और ओ, तो इससे हमारा बन गया गोभी, जिससे हम इसके पेरिटोनियल रिलेशन को याद कर सकते हैं, जी ओ बी आई। सो पेरिटोनियल रिलेशन में बेयर एरियाज है जहाँ पे कोई भी पेरिटोनियम प्रेजेंट रहता नहीं है। सो कहाँ कहाँ पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं रहता है, यह है बेयर एरिया जो ट्राइंगुलर लिगामेंट में आते हैं। यहाँ है ग्रूफ फॉर आईवीसी, यहाँ पे भी पेरिटोनियम अब्सेंट होता है। फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, यहाँ पे पेरिटोनियम अब्सेंट होता है। और एक लेसर ओमेंटम, ऐसे चार पेरिटोनियल रिलेशन है जहाँ पे पेरिटोनियम अब्सेंट रहता है, उसको याद करने की ट्रिक है गोभी। उसके बाद विसरल रिलेशन, विसरल रिलेशन में इसके हम सर्फेस के बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर सर्फेस जो आगे प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, ट्राइंगुलर होता है। ये डायग्राम में जो एंटीरियर सर्फेस है वो क्या है, ट्राइंगुलर है। एंटीरियर सर्फेस पे आपको क्या दिखता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट दिखता है, राइट लोब दिखता है, लेफ्ट लोब दिखता है, वही इसके रिलेशन में दिया है कि एक ट्राइंगुलर प्रोसेस है। एंटीरियर सर्फेस पे जो लिगामेंट होता है वो क्या होता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये रिलेटेड है ज़िफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम के साथ। एंटीरियर सर्फेस एंटीरियरली होगा, इसे रिलेटेड है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, और इसके दोनों साइड पे डायफ्राम होता है। एंटीरियर सर्फेस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड होगा, और पोस्टीरियर सर्फेस पोस्टीरियर एब्डोमिनल। तो एंटीरियर सर्फेस ट्रायंगुलर है और यहाँ पे जो लिगामेंट है वो है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। सिमिलरली उसके बाद हम देखेंगे पोस्टीरियर सर्फेस। पोस्टीरियर सर्फेस पे हमको क्या क्या मिलता है, ये है लीवर का पोस्टीरियर सर्फेस जो हमने डिस्कस किया था पहले। यह है लीवर का पोस्टीरियर सर्फेस। पोस्टीरियर सर्फेस पे आपको क्या मिलता है, पोस्टीरियर सर्फेस पे आपको क्वाड्रेट लोब मिलता है। क्वाड्रेट लोब इन्फीरियर सर्फेस पे है। पोस्टीरियर सर्फेस पे जो लिगामेंट है वो क्या है, लिगामेंटम विनोसम। इन्फीरियर सर्फेस पे जो लिगामेंट है वो क्या है, लिगामेंटम ट्रेस। पोस्टीरियर सर्फेस पे और क्या होता है, आईवीसी होता है, बेयर एरिया होता है, लेफ्ट एंड राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है। तो यही इसके सर्फेस में मेंशन किया है कि पोस्टीरियर सर्फेस क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। पोस्टीरियर सर्फेस पे बेयर एरिया होता है, ग्रूफ और आईवीसी होता है, क्राउडेड लोब होता है और लिगामेंटम विनोसम होता है। सुपीरियर सर्फेस और इन्फीरियर सर्फेस जो आपने बारे में पढ़ा वो क्या है, इन्फीरियर सर्फेस क्वाड्रिलेटरल होता है, नीचे प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ गैस्ट्रिक इंप्रेशन होते हैं। इन्फीरियर सर्फेस पे जो लोब होता है वो क्या है, क्वाड्रेट लोब। इस पे जो लिगामेंट है वो क्या है, लिगामेंटम टेरिस। यहाँ पे एक नॉच होता है, किसके लिए होता है, गॉल ब्लैडर के लिए, और यहाँ पे कोलिक इंप्रेशन भी होता है और गैस्ट्रिक इंप्रेशन भी होता है। सो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। पोस्टीरियर सर्फेस पे ग्रूफ और पोस्टीरियर सर्फेस पे क्या दिखता है, लिगामेंटम विनोसम दिखता है, क्राउडेड लोब दिखता है, आईवीसी दिखता है और बेयर एरिया दिखता है। ये हो गया पोस्टीरियर सर्फेस। इन्फीरियर सर्फेस पे आपको क्या दिखता है, लिगामेंटम टेरिस दिखता है, क्वाड्रेट लोब है, सिस्टिक नॉच फॉर गॉल ब्लैडर है। ये हो गया इसका इन्फीरियर सर्फेस। बाद में हम पढ़ेंगे इसका सुपीरियर सर्फेस। सुपीरियर सर्फेस का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे एक कॉन्केविटी है जो उसको हम बोलते हैं कार्डियक इंप्रेशन। सो ये हो गए हमारे इसके सारे सर्फेसेस कवर्ड। लास्ट में हम इसका पढ़ेंगे राइट सर्फेस। राइट सर्फेस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और कॉन्वेक्स है, रिलेटेड टू डायफ्राम है और अपोजिट ऑफ 7-11 रिब है। बाद में हम इसका पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई क्या है, 20% ऑफ इसका ब्लड सप्लाई आता है हेपेटिक आर्टरी से और 80% आता है पोर्टल वेन से। वेनस ड्रेनेज इसका क्या है, आईवीसी है, आईवीसी प्रेजेंट है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका क्या है हेपेटिक, पैराकार्डियल और सीलिएक लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक या फिर वेगल फाइबर्स। लास्ट में हम इसकी पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी, जो हर सॉफ्ट ऑर्गन्स की पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे अपन हेपेटोमेगैली। लीवर में जो फंक्शनल यूनिट होते हैं उसको ना क्या बोलते हैं, हम हेपेटोसाइट्स। सो हेपेटोमेगैली, मेगैली मतलब बड़ा हो जाना, सो एनलार्जमेंट ऑफ लीवर को हम बोलते हैं हेपेटोमेगैली। हेपेटाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, और हेपेटिक मतलब हेपेटोसाइट्स का इन्फ्लेमेशन, मतलब लीवर सेल्स का। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स इसमें होना हेपेटाइटिस। उसके बाद है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में क्या हो जाता है कि जो लीवर के जो सेल हेपेटोसाइट्स वो डैमेज हो जाते हैं, जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं, और एक जो लीवर के सारे फंक्शन है उसमें ख़राब हो जाते हैं, और ये एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से भी हो सकता है लीवर सिरोसिस। बाद में है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में क्या हो जाता है कि हम नीडल को बॉडी में इंसर्ट करते हैं 9th इंटरकोस्टल स्पेस में, जहाँ से हम एक लीवर का एक सैंपल कलेक्ट करके हम उसको पैथोलॉजी के लिए भेज सकते हैं, जहाँ से हम उसको डायग्नोस करने का डिटेक्ट कर सकते हैं कि लीवर की सेल कैंसरस है या नहीं, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं। उसी के लिए हम करवाते हैं लीवर बायोप्सी। बायोप्सी में हम कोई भी एक सॉफ्ट ऑर्गन का जो एक पार्ट है उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। यह है लीवर बायोप्सी। उसके बाद है लीवर ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम एंड स्टेज लीवर डिजीज में हम लीवर को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लास्ट में है लीवर रिसेक्शन, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स जहाँ पे बहुत कॉमन है।
लास्ट में हम पढ़ेंगे कैपिट मेड्यूसी, जिसमें अम्बलिका से ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हुए दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिट मेड्यूसी। जब कैपिट मेड्यूसी हो जाता है तब अम्बलिका से ऐसे आउटग्रोथ्स आपको, ऐसे स्ट्रक्चर आपको निकलते हुए दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं कैपिट मेड्यूसी। लास्ट में हम थोड़े से अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें है हेमेटमेसिस, एपिटैक्सिस और हेमोक्टैक्सिस। हेमेटमेसिस मतलब क्या होता है? वोमिटिंग ऑफ ब्लड। हीम मतलब क्या होता है? ब्लड। एमेसिस मतलब बाहर निकलना, मतलब वोमिटिंग ऑफ ब्लड को हेमेटमेसिस बोलते हैं। एपिटैक्सिस मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, और हेमोक्टैक्सिस मतलब कफिंग ऑफ ब्लड। तो ये थे कुछ जनरल टर्म्स। ये वीडियो में हमने लीवर के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसके एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और उसके रिलेशन को डिस्कस किया, उसके सारे सरफेसेस, इसके पेरिटोनियल रिलेशन, विसरल रिलेशन सारे को कवर किया। सो ये वीडियो में हमने लीवर को कवर किया।